खुशामदीद कहते हैं हम आपको अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म प्यासा सावन। ये फिल्म 24 जून 1994 को डबल विज़न यानी उर्दू और पंजाबी जबान में पाकिस्तान में रिलीज़ की गई थी। ये एक रोमांटिक और एक्शन टाइप फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था जावेद रजा ने, जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर थे लियाकत अली मिर्जा। फिल्म की स्टोरी लिखी थी बशीर नियाज ने, जबकि फिल्म को एडिट किया था कैसर जमीर और जमीर कमर ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी थी एवेस प्रोडक्शन, जबकि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे शाहनूर स्टूडियो लाहौर। फिल्म के मेन रोल में शामिल थे सुल्तान राही, बाबरा शरीफ, शहदा मिनी, मोहसिन अली खान, जिसे इंसान मर के भी आना पसंद नहीं करता, रंगीला, शफका चीमा, मंसूर बलोच, तारिक शाह, और हुमायूं कुरैशी शामिल थे। फिल्म को म्यूजिक दिया था जुल्फिकार अली ने, जबकि फिल्म में टोटल 6 गाने रखे गए थे जिन्हें गाया था मैडम मलका तरन्नम, नूरजान, असद अली और मज़र हमीद ने। फिल्म का रनिंग टाइम 2 घंटे 33 मिनट और 26 सेकेंड रखा गया था। इस फिल्म की स्टोरी सन 1991 में आने वाली बॉलीवुड की मूवी फूल और कांटे की स्टोरी से काफ़ी ममासलत रखती थी। इन दोनों फिल्मों के कुछ सीन आपस में मिलते भी थे, जैसे बच्चे का अगवा हो जाना, बेटे का अपने बाप से पूरी फिल्म में निराज रहना। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कोई जादू नहीं चला था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।